लगभग एक महीने पहले जब एप्पल ने WWDC 2022 में M2 MacBook Air को रिलीज़ किया था, एवरीबडी वॉज एक्साइटेड क्योंकि एक नया डिज़ाइन हमें मिला था, हमें एक नया डिस्प्ले मिला था, हमें नई बैटरी मिली थी, हमें नया प्रोसेसर मिला था विच वॉज द M2, एंड एवरीबडी वॉज रियली एक्साइटेड. एंड जो जंप इंटेल टू M1 था एंड जो परफॉर्मेंस गेन्स हमें मिले थे, एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू नो कि M2 में कितना बड़ा जंप आएगा परफॉर्मेंस में. सो एक घंटे पहले M2 MacBook Air के बेंचमार्क्स एंड उसके परफॉर्मेंस फिगर्स बाहर आए हैं. सो आई विल बी डिस्कसिंग दोज परफॉर्मेंस फिगर्स एंड देयर इज अ वेरी बिग कैच. एप्पल जस्ट मेस्ड इट अप दिस टाइम. मैं आगे जाके बताऊंगा क्यों एप्पल एंड हाउ एप्पल मेस्ड इट अप. सो लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग वन थिंग. इस बार के मैकबुक्स में ये है कि जो चार्जर का जो वायर है एंड द मैकबुक बोथ ऑफ द मैक कलर मैच. सपोज इफ समबडी हैज ऑर्डर्ड अ गोल्डन कलर लैपटॉप तो उसका जो चार्जर का वायर है इवन दैट विल बी गोल्डन कलर विच इज रियली नाइस. एंड देयर इज ऑल्सो दिस ड्यूअल चार्जर काइंड ऑफ थिंग विच इज अराउंड 35 वॉट्स एंड इट हैज़ टू टाइप सी पोर्ट्स सो यू कैन जस्ट चार्ज योर लैपटॉप एज वेल एज समथिंग एल्स. एंड अगर पोर्ट्स के बारे में बात किया जाए, इसके लेफ्ट साइड के अंदर आर टू टाइप सी पोर्ट्स, अ मैक्सिव पोर्ट ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल एज ऑन द राइट साइड एक हेडफोन जैक है. लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस. जो रॉ पावर है M2 का दैट्स कम्प्लीटली फाइन. वो बहुत ही एक लाइक डिसेंट जंप है, रेस्पेक्टेबल जंप है फ्रॉम M1 टू M2. बट इस बार एप्पल हैज मेस्ड इट अप एट वन स्पेसिफिक एरिया विच नोबडी थॉट एप्पल वुड गो रॉन्ग विथ. देखो एप्पल ने इस बार क्या किया है, पुराने मैकबुक्स के अंदर सपोज दिस मैकबुक और कोई भी इंटेल का मैकबुक भी तुम उठा लो, उसमें अंदर होता ही है कि देर आर टू चिप्स फॉर द स्टोरेज. सपोज किसी ने 256 GB का मैकबुक यूज कर रहा है तो उसके मदरबोर्ड पे देर बी टू चिप्स ईच ऑफ 128 GB. सो उन्हें नैंड चिप्स बोला जाता है. सो होता ही है कि दीज मैकबुक्स ना दे रियली बेनिफिट आउट ऑफ हैविंग टू चिप्स क्योंकि उसमें रीड एंड राइट स्पीड्स बहुत फास्ट होती हैं. तुम टेक इट एज एन एग्जांपल ऑफ कस्टम डेस्कटॉप्स, कस्टम पीसीज के अंदर कैसा होता है कि ड्यूल चैनल रैम में इट इज अ मच फास्टर एक्सपीरियंस है ना. सपोज कोई 16 GB का रैम स्टिक इंस्टॉल कर रहा है कंप्यूटर पे, सो दे विल मेक श्योर इट्स 8x2 लाइक 8 GB के दो स्टिक्स यूज करेंगे तो 16 GB बनता है. तो सेम वे इसी को एज अ स्टोरेज के मामले में तुम ऐसे समझ सकते हो. तो इस बार एप्पल ने क्या किया है, मे बी इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देर इज 128 GB के चिप्स की शॉर्टेज है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर राइट नाउ. तो उसकी वजह से एप्पल ने क्या किया है कि दे आर जस्ट यूजिंग 256 GB का चिप. उससे हुआ यह है कि इसके जो रीड एंड राइट स्पीड्स हैं वो बहुत कम हो गए, लाइक ड्रास्टिकली कम हो गए. लाइक लेट मी शो यू द रीड एंड राइट स्पीड्स ना. 2900 MB/s की रीड एंड राइट स्पीड है ऑन द M1 मैकबुक एयर, वेयर एज द M2 में देखो लिटरली हाफ हो गया, विच इज रियली बैड. बट द कैच इज, अगर तुम M2 मैकबुक एयर के अंदर 512 GB का तुम स्टोरेज का वेरियंट लेते हो, द स्पीड अगेन गेट्स बैक टू 2900 MB/s. इसमें कंक्लूजन बस यही है कि एप्पल ने 128 GB के चिप्स यूज नहीं किए एंड दे हैव जस्ट यूज द सिंगल 256 GB का स्टोरेज. सो इससे इफेक्ट हमें क्या पड़ेगा, इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि देखो द बेस वेरियंट्स ऑफ ऑल दीज मैकबुक्स हैव 8 GB ऑफ रैम. तो उससे होता ही है कि द मोमेंट जब वो 8 GB का रैम भरने लग जाता है, ऑलमोस्ट तुम रैम यूज करने लग जाते हो, सो इट टेंड्स टू यूज द स्वाप मेमोरी. स्वाप मेमोरी इज नथिंग बट रैम खत्म हो गया, अब रैम के बाद वो SSD का थोड़ा बहुत स्टोरेज यूज करेगा. देखो रैम एंड SSD के अंदर फर्क ये है कि रैम बहुत फास्ट होती है, विकेट फास्ट होती है, SSD उतनी फास्ट नहीं होती है रैम के कंपेरिजन में. बट अगर तुम्हारा रैम खत्म हो गया यू हैव टू यूज सम स्टोरेज ना, सो इट एंड्स अप यूजिंग द इंटरनल स्टोरेज. इंटरनल स्टोरेज M1 के अंदर 2900 MB/s था बट M2 के अंदर 1450 हो गया. अब उससे होएगा ये कि जब तुम मल्टी टास्क करने लग जाओगे, तुम्हारे पास बहुत सारे ऐप्स ओपन है, तुम्हारे पास बहुत सारे क्रोम टैब्स ओपन है एंड तब तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या तुम कुछ रेंडर कर रहे हो या तुम कुछ भी कर रहे हो, व्हेन यू आर मल्टीटास्किंग अ लॉट, उस केस के अंदर तुम्हें लिटरली इफेक्ट पड़ेगा. लाइक देयर विल बी रियली बिग स्लो डाउन्स और तुम्हारा रेंडर परफॉर्मेंस, लाइक काफी टाइम लगेगा रेंडर होने के लिए, क्रोम टैब्स को स्विच करने के लिए टाइम लगेगा. सो यू माइट एंड अप थिंकिंग यार ये कंप्यूटर बेकार है, बट एक्चुअली जस्ट इसकी स्टोरेज बहुत स्लो हो गई है. आई जस्ट डोंट नो व्हाई एप्पल ने ऐसा किया. बेसिकली मेरे अनुसार एप्पल को जस्ट उनके वेबसाइट पे क्लियर कट लिख देना चाहिए कि 256 GB वाले वेरिएंट्स में देर विल बी मच स्लोअर रीड एंड राइट स्पीड्स. एक और चीज़ जो काफ़ी सरप्राइजिंग थी कि हम सब लोग सोच रहे थे कि होल बाय दी मैकबुक प्रो है ना, 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, 1,20,000 में एयर है, 1,30,000 पे प्रो है. सो एवरीबडी विल बी थिंकिंग यार कौन 10,000 दे के एक पुराना डिज़ाइन लेगा. बट एक्चुअली नाउ दैट सीइंग द परफॉर्मेंस मेरे को बस यही समझ में आ रहा है कि दीज न्यू M2 चिप्स आर अलॉट मोर पावरफुल एंड एज दे आर पावरफुल दे रियली नीड सम कूलिंग सिस्टम. M2 मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर में लाइक देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज एक है पैसिवली कोल्ड, एक है एक्टिवली कोल्ड. एक के अंदर फैंस है ही नहीं, एक के अंदर फैंस हैं, तो प्रो के अंदर फैंस हैं. सो देखो M1 के केस में ना देर वॉजेंट अ बिग डिफरेंस बिटवीन द एयर एंड द प्रो, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज टू से गेट द एयर. बट इस बार ना सच में देर इज अ डिफरेंस, स्पेशली अंडर सस्टेन वर्कलोड. जब तुम काफ़ी देर तक तुम कुछ डिमांडिंग टास्क कर रहे हो, लाइक काफ़ी देर तक तुम कोई वीडियो को रेंडर कर रहे हो या काफ़ी देर तक तुम कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, तो इन दैट केस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द एयर विल स्लो डाउन.
क्योंकि वो बहुत हीट होने लग जाएगा एंड इसके टेक्निकल टर्म्स में इसे थ्रॉटलिंग बोलते हैं, वो कंप्यूटर अपने आप अपना परफॉर्मेंस कम कर देगा। एंड इसके डिस्प्लेज आर रियली लाइक टॉप नॉच एंड ये 100 nits ज़्यादा ब्राइट है M1 एयर के कंपेरिजन में एंड इसमें नॉच आ गया है। द डिस्प्ले एंड ऑल इज जस्ट इट्स रियली गुड पार्ट। वेब कैमरा भी काफ़ी इंप्रूव हो गया है, नाउ इट्स अ 1080p वेब कैम, सो इट विल बी रियली नाइस व्हेन यू आर स्ट्रीमिंग और समथिंग। बट एज मैं बता रहा था कि इन मैकबुक्स के अंदर जो नए आए हैं उनमें रीड एंड राइट स्पीड्स काफ़ी कम है, सो इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल तुम इसमें देख सकते हो। लाइक 5 मिनट का 4K वीडियो है जो HEVC फॉर्मेट के अंदर उसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब इसमें कैच ये है कि इन्होंने 5 Chrome tabs ओपन कर रखे हैं एंड एक फोटोशॉप का ऐप ओपन कर रखा है बैकग्राउंड में। तो ऑल दीज ये 5 tabs एंड ये फोटोशॉप ये रैम कंज्यूम करेंगे, बैकग्राउंड में स्टोर रहेंगे। सो इस केस के अंदर ना इट्स यूजिंग द स्वैप मेमोरी, क्योंकि रैम ऑलमोस्ट खत्म हो गई, 8 GB खत्म हो गया, तो वो SSD यूज कर रहा है। SSD को बहुत फास्ट होना चाहिए इस केस के अंदर, तब जाके तुम्हें परफॉर्मेंस दिखते हैं। M1 के अंदर लिटरली डबल द लाइक काफी फास्ट SSDs हैं, तो इसलिए 2 minutes 43 seconds लगे हैं। Whereas M2 MacBook Pro के अंदर देखो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 5 minutes 46 seconds हो गए हैं। सो What are the key takeaways of this video? सबसे बड़ा conclusion ये है कि M2 MacBook Airs and MacBook Pro का real performance तुम्हें तब ही मिलेगा जब तुम या तो 16 GB का RAM लो या 512 GB का स्टोरेज लो, विच बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर रियली एक्सपेंसिव। देखो MacBook Air ऑन इट्स ओन ही 1,20,000 का है, उसके अंदर तुम 16 GB का RAM या 512 GB का स्टोरेज लेने के लिए तुम 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो। Apple इज लिटरली लूटिंग यू ऑल बाई चार्जिंग 20,000 रुपीज जस्ट फॉर स्टोरेज और RAM अपग्रेड, बट इट्स Apple, यू हैव टू प्ले विद देयर रूल्स। तो बस यही है कि लाइक द ट्रू परफॉर्मेंस गेन्स तभी मिलते हैं जब तुम या तो तुम ज़्यादा स्टोरेज लो या ज़्यादा SSD लो ना। दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट दिस वीडियो। M2 कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, लाइक सच में एप्पल ने काफ़ी गलत चीज़ों पे दे हैव लॉस्ट द परफॉर्मेंस। सो ऑलराइट, दिस दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।